सो गाइस पहले आप सभी को करना क्या है, गाइस पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिलीज कर रखा है। एंड गाइस अभी तक आप सभी को मतलब कि बैकग्राउंड रिलीज करने वाली वीडियो आप सभी ने नहीं देखी, तो मैंने उसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हो एंड ईजिली आप अपना बैकग्राउंड को रिलीज कर सकते हो। सो गाइस मैं अपने मॉडल को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो गाइस आप सभी को करना क्या है, पहले मैं गाइस यहाँ पर मॉडल को सिंपली इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे सेट हो चुका है, तो अब यहाँ से मैं डन करूँगा। एंड यहाँ से मैं दोबारा से ऐड फोटो में जाऊँगा। एंड ये तलवार का पीएनजी गाइस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस जो भी मैं इसमें जो भी बैकग्राउंड पीएनजी इसमें यूज़ कर रहा हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डाउनलोड कर लेना। सो गाइस मैं पहले इसको यहाँ पे हाथ के पास यहाँ पे लगा लेता हूँ। एंड सिंपली यहाँ पे लगाने के बाद इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को जाना है इरेज में, एंड इसकी हार्डनेस को फुल कर देना है। एंड जो भी है गाइस इसको आप सभी को इस तरीके से इरेज कर लेना है। एंड आप सभी को अपने हाथ को देख लेना गाइस, जहाँ जहाँ से मतलब कि इरेज होने लायक है वहाँ से कर लेना। आप ओपेसिटी को कम करके भी कर सकते हो, मैंने बिना ओपेसिटी के इसलिए किया क्योंकि गाइस मेरे को थोड़ा अंदाजा था इस फोटो का, तो इसलिए मैंने कर दिया। तो गाइस यहाँ से हम करेंगे डन। एंड यहाँ से गाइस हम जाएंगे सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर। तो गाइस यहाँ से पहले हम ड्रॉ टूल के अंदर चल लेते गाइस। ओके सो हम ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को पहले इसके पैर के नीचे जो मेरा मॉडल है उसके भी नीचे शेडो नहीं, तो हम पहले इसमें शेडो बनाएंगे। तो यहाँ से नीचे जाएंगे जूम करके एंड सिंपली इस तरीके से यहाँ पे शेडो बनाएंगे। ओके गाइस सो मतलब कि गाइस यहाँ पे ये शेडो जो कुछ ज़्यादा डार्क दिख रही है, तो हम इसके यहाँ से लेयर में जाके एंड इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा कम करेंगे, 60 के आसपास रखेंगे। एंड सिंपली यहाँ से हम इसको यहाँ से डन करेंगे। ओके गाइस सो यहाँ से डन करने के बाद यहाँ से डिस्कार्ड करते हैं एंड यहाँ से वापस आते हैं। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक लाइट का पीएनजी मिल जाएगा। सो गाइस आप सभी को लाइट का पीएनजी ले लेना है। एंड उस लाइट के पीएनजी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वो भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हो। लैंडिंग मोड हम पहले चेंज कर लेते हैं, इसको करते हैं स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, इसको पहले आप सभी को इस तरीके से बड़ा रखना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को एक साइड का पॉइंट को पकड़ना है एंड सिंपली इस तरीके से छोटा कर लेना है। ओके गाइस सो इसको यहाँ पे छोटा कर लेने के बाद गाइस आप सभी को अपने तलवार के पास जो गाइस आपकी तलवार की नोक है लास्ट की, आपको इसको वहाँ पर लगाना है। ओके गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, गाइस इसी का जो आपने करा इसको डुप्लीकेट कर लेना गाइस। ओके सो पहले मैं इसको यहाँ पे पूरा सिंपली इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या, इसके दोबारा से जैसे आप सभी ने इसको छोटा किया पतला किया था गाइस, उस तरीके से आप सभी को इसको कर लेना है। एंड सिंपली आप सभी को अपने शोल्डर के पास लगाना है एक, एंड गाइस एक इस वाले शोल्डर के पास लगा लेना है। एंड ये गाइस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो गाइस हमारे पीछे जो मून है उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। सो गाइस हम जो हेड पे लगाया हमने इसको यहाँ पे ले लेते हैं एंड इसका डुप्लीकेट करके हम इस वाले शोल्डर पे लगाते हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद जो हेड पे हमारे इसके ओपेसिटी कम करेंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे। ओके गाइस तो यहाँ तक का काम तो हो चुका है। तो गाइस हमें यहाँ से पहले हम एडजस्ट में जाएंगे एंड इसके बाद गाइस हम जिस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद गाइस हम सैचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके गाइस सो यहाँ से डन करते हैं। एंड गाइस हमारा एक पीएनजी और रह रहा है, तो गाइस हम उसको भी लगाएंगे। तो गाइस उसके लिए पहले हमें करना क्या है, यहाँ से जाएंगे हम ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हमें एक पार्टिकल का पीएनजी लेना है। एंड ये पीएनजी लगाने के बाद गाइस हमारी फोटो में अलग ही लुक आ जाएगी, तो हमें ये पीएनजी लगाना जरूरी है। तो गाइस पहले मैं इस पीएनजी को ले लेता हूँ ऐसे फटाफट। ओके सो गाइस हमने ये पीएनजी ले लिया है। तो गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या है, इसको गाइस देखिए सिंपली आप सभी को फुल स्क्रीन कर देना है। एंड मैंने आपकी स्क्रीन के हिसाब से इसका ऊपर लगाना रखा है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हमें स्क्रीन रखना है। एंड गाइस को अगर जो भी आपको गाइस आपको जो भी आपको मतलब कि आपके पास आ रहा हो उसको आप इरेज कर सकते हो। बाकी गाइस हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं एंड यहाँ से हम चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस कलर करेक्शन जो भी है हम लाइट रूम ऐप के अंदर करेंगे। तो गाइस मैं मिलता हूँ सबसे लाइट रूम ऐप के अंदर। गाइस हमारी फोटो ओपन हो चुकी है। तो गाइस यहाँ से हमें करना क्या, लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देना गाइस। ओके सो शेडो को बढ़ा देना ऊपर की तरफ। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ब्लैक को कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद मिक्स वाले ऑप्शन में जाना है। एंड उसके बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है एंड इसकी सैचुरेशन को थोड़ा माइनस करना है। एंड उसके बाद आपको ब्लू कलर में जाना है एंड इसके ह्यू को थोड़ा सा छेड़ना है। ओके गाइस एंड उसके बाद आपको इसके सेकंड वाले ब्लू वाले पे जाना है एंड सैचुरेशन को कम करना है। ओके गाइस एंड उसके बाद यहाँ से हम करेंगे डन। एंड गाइस आप सभी को जाना है सिलेक्टिव टूल में। ओके गाइस सो हम ये रहा सिलेक्टिव टूल। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को बीच वाला लेना है। ओके गाइस ये बीच वाला ऑप्शन ले सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इसको सिंपली इस तरीके से प्रेस करके ऊपर की तरफ लेकर आना है। ओके गाइस तो गाइस देखिए ऐसे मतलब कि आप थोड़ा प्रेस करके रखना नहीं, क्योंकि कभी कभार ऊपर भी चले जाता है, तो इसको मैं थोड़ा मतलब कि करता हूँ अभी ढंग से। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है गाइस इसमें लाइट्स में एंड इसकी शेडो को कम करना, मतलब कि गाइस ब्राइटनेस को कम करना है। ओके गाइस तो हम ये इसलिए कर रहे हैं गाइस ताकि हमारा यहाँ पे लगे गाइस थोड़ा डार्क सा लगे, है ना, रियलिस्टिक सा लुक देना था, थोड़ा डार्क सा लगे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है,
आप सभी को थोड़ा नीचे की तरफ मैं पहले इसको ले आता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे लगा के एंड गैस परफेक्ट। एंड गैस आप चाहो तो गैस इसका एक्सपोजर आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। होगी गैस तो हमारा लग चुका था गैस, हम यहाँ से इसको थोड़ा से ऊपर की तरफ कर लेता हूँ मैं इसको एंड यहाँ से हम करते हैं सिंपली डन। ओके गैस तो हमारा यहाँ तक का काम तो हो चुका है, तो गैस अब उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी का यहाँ से नीचे की तरफ जाना है एंड आप सभी का ये वाला टूल दिख रहा होगा नीचे ये बॉक्स टाइप का, आपको इस वाले टूल में जाना है एंड उसके बाद आप सभी को फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देना है एंड उसके बाद गैस आप सभी को थोड़ी विग्नेट डालना है ताकि यार विग्नेट से यार लगी लुक आ रहा हमारे इसमें, तो यार विग्नेट डालना है एंड उसके बाद आप सभी करना है गैस ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड सिंपली आप सभी को नीचे वाले टूल में जाना है एंड ये ट्राइंगल वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद आप सभी इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है एंड फोटो के साथ में इसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद आप सभी को करना है गैस नोट डायरेक्शन को बढ़ा देना है। सो गैस हम कलर नोट डायरेक्शन को भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि यार जो भी कलर करना हो इसको हट जाएगा। तो गैस हमारी फोटो यहाँ तक एडिट हो चुकी है। सो गैस मैं आप सबको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ एंड बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो गैस आप सभी को आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गैस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।